My name is Saransh. And my name is Sahil. And we have a new sibling today. So welcome to our channel, Siblings Reaction. So once again, we are here with our new sibling. In short, हमारी family के गुड्डू भैया. वैसे I don't know who is गुड्डू भैया. We'll get to know after this trailer. So, I know कि इस मिर्जापुर जो भी सीरीज है ये इसमें कोई अली फाजल आई थिंक वो फुकरे वाला फुकरे एंड उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस में भी एक छोटा रोल किया है और वो इंटरनेशनल रोल्स भी करते हैं नॉट एक्चुअली ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर हां ही इज नॉट ओनली इन फास्ट एंड फ्यूरियस उसके अलावा भी उन्होंने कुछ मूवीज में किया है मगर हमेशा शॉर्ट रोल ही करते हैं वो सो वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस और आई बिलीव कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे इस वीडियो के लिए एंड सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं रीजन इस वीडियो को बनाने का ये भी है क्योंकि मैंने मिर्जापुर 1 नहीं देखी है और ये लोग देख चुके हैं और जैसे इन लोगों ने ट्रेलर देखा डिसाइड कर लिया अभी रिएक्शन करना है इस वीडियो के ऊपर वी वांट टू शो दैट हाउ गुड दिस सीरीज इज सो पार्ट 2 आ चुका है इसका एंड मुझे हो सकता है कि शायद ट्रेलर देख के समझ ना आए अगर ये पिछली वाली सीरीज से कनेक्टेड है तो पिछली वाली सीरीज से बिल्कुल कनेक्टेड है एंड मतलब दिस इज द मतलब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट अवेटेड मैं कह सकता हूँ इसे सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड सीरीज एक्शन सीरीज सेक्रेट गेम्स मिर्जापुर मैंने कभी देखी नहीं आई थिंक स्टार्टिंग पहला एपिसोड देखा था जिसमें ना वो आई थिंक हाथ में शूट कर देते हैं उनका हार्ट हार्ट टूट गया था वो क्या होता है कि जो बंदूक होती है वो उसके हाथ में देता है वो चलाता है कट्टा फट जाता है फट जाता है वो उससे वो टूट जाती है आई सॉ दैट एंड आई कुड नॉट वॉच इट एनीमोर सो दैट्स वही है कि हमने अभी तक अपने आप को रोक कर रखा है और इस ट्रेलर को हमने अभी तक वेट कर रखा है और अभी भी फाइनली अभी ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड तो हमने सोचा कि सबसे पहले इसी ट्रेलर पे रिएक्ट एक कोइंसिडेंस ये है कि इस टाइम पे जो भैया है ये बेसिकली ये कहीं निकल रहे थे और हम इन्होंने भी नहीं देखा तो इन्होंने कहा मैं देखूंगा तो हमने कहा एक काम करो आप कैमरे के पीछे देखो ताकि लोगों को पता लगे कि क्या रिएक्शन है बेसिकली सारांश हैज वॉच्ड द ट्रेलर आई नो आई हैव आल्सो नॉट वॉच्ड आई हैव वॉच्ड द पोस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर आई हैव नॉट वॉच्ड इट सो यू ओनली नो दैट द ट्रेलर हैज कम आउट एंड नाउ यू वांट टू वॉच या आई वांट टू वॉच एंड आई वांट यू बोथ टू रिएक्ट ऑन इट मैं देखना चाहता हूं कि आप दोनों को भी ये कैसा लगेगा लेट्स सी आई एम होपिंग दैट इट्स नॉट दैट वायलेंट एज इट वाज इन सीजन 1 एंड आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड कि क्या होने वाला है इसमें I've also heard there are many abusive languages used in the series. So guys, please avoid करना उसे क्योंकि आपको पता ही है कि ये मिर्जापुर 2 है तो obviously violent तो होगी ही थोड़ा तो बनता है Anyway, so it's releasing on October 23rd. 23rd of October. Mark your dates. So this is worldwide release. Yep, worldwide release 23rd of October. Right. Exactly. Before we start the video, please आज ये बोलेंगे. So please do subscribe us and like our channel and please do share our videos. And also you can ring the bell icon. Also our Instagram handles are on the screen. You can just watch, you can follow us on Instagram and you can request for your favorite video on which we can react. We would love to react on your favorite videos. We have also provided the link in the description so you can simply go over there and click on that link and you'll simply land on our Instagram page. Yeah. So without wasting any time, we'll just go start the video. Start. Are you excited? Are you excited? Let's start the trailer. Let's start the trailer. जो आया है वो जाएगा भी बस मर्जी हमारी होगी गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना नियम सेम होगा और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है गुड्डू पंडित वापस आ गए वो जाएंगे नहीं अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं
पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे बीच चुराए तो उन्हें मार के चले जाए। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पर राज करे। बड़ी ना सही छोटी करेगी। मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। बिहार में आपका स्वागत है। दत्ता त्यागी बहुत बड़े आदमी, बड़ा दबदबा है उनका। शेर के मुंह को खून लग चुका है। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है वो। तुम्हारे दद्दा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दद्दा होते हैं कोई मां चुप देते हैं, सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। मम्लू स्वीटी का उधार है, हम पे चुकाना है। बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। सो कैसा लगा गाइस? मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो अगर आपने मतलब फर्स्ट देखा होता ना तो थोड़े थोड़े फ्लैशबैक्स थे जो कि पता लग रहे थे। आई डोंट नो हु भैया कौन है, दैट्स अली फाजल। या आई डोंट नो वो किस चीज का बदला ले रहा है। वो अपने भाई का बेसिकली बदला ले रहा है लास्ट पार्ट में, उसके भाई का और उसके भाई की गर्लफ्रेंड। उसके भाई की नहीं, नहीं भाई की गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसी की बीवी थी। गुड्डू भैया की तो बीवी थी, गुड्डू भैया की ही बीवी थी। अच्छा हाँ, गुड्डू की वाइफ और उसका भाई, दोनों की वाइफ और उसकी उसके भाई का बदला, भाई का बदला। और ये जो लड़की थी ये थी गुड्डू उसकी उसके भाई की वाइफ जो होने वाली थी, इसके भाई की वाइफ, भाई की वाइफ। और नहीं, अब पता नहीं अभी वाइफ है या नहीं, वो तो पता लगेगा। बेसिकली वो बदला लेने वाली। पंकज त्रिपाठी है इसके अंदर तो बहुत बड़ी बात है। वो एक्टर जो है ना कमेंडेबल एक्टर है, मतलब उनके एक्टिंग करने का तरीका बहुत, मुझे ऐसा लगता है कॉमेडी भी अमेजिंग करते हैं और सीरियस हो तो बहुत ही अमेजिंग। अभी हमने कौन सी सीरीज देखी उनकी? किसी भी रोल में, चाहे उनसे आप कॉमेडी करवा लो, चाहे आप उनसे सीरियस रोल करवा लो, किसी भी तरह का रोल करवा लो, वो प्लीज कोई भी फिल्म की कास्टिंग से पहले ना अगर पंकज त्रिपाठी सर के बारे में अगर सोचा जाए ना तो कहीं ना कहीं वो फिट हो ही जाएंगे। और वो एक ऐसा एक्टर है कि वो जब सीरियस रोल में पंच मारते हैं तो हंसी आ जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो जैसे कॉमेडी कर दी उन्होंने किसी तरह। सेक्रेट गेम्स में है, ओह यस, ओह माय गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट, मेन तो वही है गुरुजी तो वही। अरे क्या सेक्रेट गेम्स भी बहुत बढ़िया से मिर्जापुर। अब तो मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे होम थिएटर पे बड़ी बड़ी चलेगी, देखनी पड़ेगी मुझे। मतलब क्या सोच के वो डाला गया यार, वो सीन तो एपिक था यार। इस तरह का सीन तो हमने आज तक किसी मूवी में नहीं देखा। आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, आई कांट वॉच ऑल दीस थिंग्स, यू नो, आई फील एज इफ इट्स हैपनिंग टू मी, so that's the reason I can't watch it. And most of the girls I've seen, many people are, you know, they can't watch violent scenes, violent films. So that's the reason I did not watch it.
क्योंकि सीजन वन में जो था ये अली फैजल ये बहुत शरीफ होते हैं स्टार्टिंग और सीजन एंड होते होते वो अलग ही लेवल के वो बन जाते हैं अलग लेवल के गुंडे बन जाते हैं और अब एंड में उनके जो है भाई की डेथ होती है और उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ होती है उसका बदला लेने के लिए जो है अब सेकंड आई थिंक दिव्येंदु इज द एक्टर ना जो डॉन होता है सबसे पहले दिव्येंदु जो कॉलेज में आता है और बोलता है कि तुम्हें हम अपने उनका नाम क्या है एक्चुअली उसका कैरेक्टर का नाम क्या था मुन्ना भैया की जैसा एक्चुअली में फैजल बनना चाहता है मतलब गुड्डू पंडित गुड्डू जो होता है वो मुन्ना भैया जैसा बनना चाहता है और अब मुन्ना भैया हेल्प करता है ना कि मैंने आपके लिए कुछ किया ऐसे करके कुछ होता है ना नहीं वो एक्चुअली एक छोटा सा रोल है क्लास के अंदर होता है कि एक लड़का बच के भाग रहा होता है मुन्ना से तो वो बीच में जो है टांग अड़ा के उसे गिरा देता है तो उस टाइम वो मुन्ना भैया की तरह बनना चाहता है मगर मुन्ना भैया उसको मार देते हैं उसके भाई मार देते हैं भाई को वो मुन्ना भैया को तो यही ट्विस्ट है तो आपस में लड़ाई होगी आपस में लड़ाई होगी एंड ही वहीं पे होगा उसी जगह पे एंड हुआ है ये फर्स्ट सीजन का कि इन दोनों की लड़ाइयाँ हो रही है आई एम श्योर आप सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे जो लोग मिर्जापुर के बारे में जानते हैं जो लोग भी देख चुके हैं फॉलो करते हैं मैं पंजाबी हूँ तब भी मैं जो लोग ही बोलता हूँ मैं जवाबाग नहीं बोलता मैं बहुत पिटूंगा इसकी बात तो चलिए जॉलॉग तो जॉलॉग भी हमारे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है वॉलॉग जाके हमारे को सब्सक्राइब कीजिए अच्छा नहीं कर रहा चलो ठीक है चलिए सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिर्जापुर 2 ट्रेलर एंड विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू सजेशंस टिल देन बाय बाय